हे गाइस, क्या हाल है आपके। स्वागत है बीजीएमआई के एक और वीडियो के अंदर। गाइस, आज की वीडियो में मैं गाइस आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपनी जायरो की बेस्ट सेंसिटिविटी खुद ही निकाल सकते हो। इस वीडियो में गाइस आपको जायरोस्कोप का हैंड कैम देखने को मिलेगा, ठीक है। बेस्ट सेंसिटिविटी गाइस मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा, और साथ ही ड्रिल्स भी दूंगा जिससे गाइस आप अपनी सेंसिटिविटी को मास्टर कर लोगे, ठीक है। तो गाइस एक चीज़ हमेशा याद रखना, नंबर मैटर नहीं करते गाइस, ये मैटर करता है कि क्या आप अपनी सेंसिटिविटी को कंट्रोल कर पा रहे हो, ठीक है। और गाइस एक चीज़ ये देखो कि हैंड कैम भाई कितनी मुश्किल से बन रहा है, ठीक है। डब्बे पर भाई फोन टिका के बनाना पड़ रहा है हैंड कैम। तो गाइस इस मेहनत के लिए ना एक लाइक और सब्सक्राइब तो चैनल को कर ही दो। गाइस देखो क्या होगा, अगर आपकी सेंसिटिविटी मान लो 3x की, यहाँ पे मैं सेंसिटिविटी कम कर देता हूँ, मान लो आपकी 3x की सेंसिटिविटी कम है, ठीक है ना। तो गाइस इस तरीके से कुछ आपका रिकॉल जाएगा, ठीक है ना। ना गाइस आप इसको इस तरीके से कंट्रोल पाओगे और ना फिर इस तरीके से, ठीक है। मतलब कार ट्रेसिंग जो होती है ना वो भी आप नहीं कर पाओगे। गाइस देखो हैंड कैम में आप अच्छे से देख सकोगे, ये देखो गाइस मतलब कितना ज़्यादा गाइज मेरे को लेफ्ट राइट करना पड़ रहा है, मतलब कितना ज़्यादा फ़ोन को घुमाना पड़ रहा है, ठीक है, तब वो ढंग से कंट्रोल नहीं हो पा रहा। वहीं गाइज अगर आपकी सेंसिटिविटी कुछ ज़्यादा ही हाई है तो गाइज उसकी ना स्टेबिलिटी चली जाएगी, ठीक है, आप वो भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। जैसे ये देखो, जैसे मैं स्प्रे दे रहा हूँ और लेफ्ट राइट कर रहा हूँ ना, जैसे मतलब बंदा भाई मूव करेगा या फिर कार मूव कर रही है उस पर आपको स्प्रे देना है, तो गाइज़ वो भी आपसे ढंग से नहीं होगा अगर आपकी सेंसिटिविटी ज़्यादा है या फिर आपकी सेंसिटिविटी कुछ ज़्यादा ही कम है, ठीक है। ये देखो गाइज अब यहाँ पर देखना, ये देखो मतलब हल्का सा कर रहा हूँ भाई, स्क्रीन देखो कितनी ज़्यादा शेक हो रही है। तो गाइज़ अगर आपकी हाई सेंसिटिविटी होती है ना गाइज, ये चीज़ें तो जो दिक्कत है देखने को मिलती रहती है। तो यार इस दिक्कत को कम कैसे करना है, तो सबसे पहले तो गाइज़ मेरी जो सेंसिटिविटी है ना आपको वो कॉपी कर लेनी है, ठीक है। मैं आपको सेंसिटिविटी दिखाता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि उससे आप अपनी खुद की सेंसिटिविटी कैसे निकालोगे। गाइज़ ये देखो मेरी ये सेंसिटिविटी है, ठीक है। तो रेड डॉट की आप 400 देख सकते हो, 2x की 400 है, 3x की भाई 285 मैं रखता हूँ, ठीक है। 4x की 251 है, 5x है नहीं, 6x और 8x हम यूज़ करते हैं नहीं। सो गाइज ये आपको कॉपी कर लेनी है, ठीक है, ये सेंसिटिविटी। अब आपको क्या करना है, इस जगह पे आके स्प्रे देना है। स्प्रे देके गाइज आपको ये देखना है कि क्या आप इस सेंसिटी को कंट्रोल कर पा रहे हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार सेंसिटी कंट्रोल नहीं हो रही, ज़्यादा लग रही है या फिर कम लग रही है, तो गाइज आपको क्या करना है, वापस अपनी उसी स्कोप की सेंसिटिविटी पे जाना है, ठीक है। जैसे मेरे को अभी लग रहा था कि मेरा जो 3x है यार वो थोड़ा ज़्यादा शेक कर रहा है, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, तो मैं उसकी सेंसिटिविटी बस 3 पॉइंट कम करता हूँ, ठीक है। 3 पॉइंट या तो आपको कम करनी है या तो ज़्यादा करनी है, बस इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। अब देखो यार मेरे को ऐसा लग रहा है कि भाई मक्खन स्प्रे जा रहा है, ठीक है। हर स्कोप की गाइज मैं ऐसे ही निकालता हूँ, रेड डॉट की तो 400 रखता हूँ मैं, ठीक है, उसकी कोई वो नहीं है। और भाई जो आपका 4x है उसकी 251 मैंने रख रखी है। गाइज एक बात हमेशा याद रखना, ठीक है, कि नंबर्स मैटर नहीं करते कि सेंसिटिविटी का क्या नंबर है, मैटर ये करता है कि क्या आप उसको कंट्रोल कर पा रहे हो। और कंट्रोल कर पा रहे हो गाइस ये आपको तभी पता चलेगा जब आप खुद स्प्रे दोगे। अगर आपको लग रहा है कि आपका स्प्रे यार कंट्रोल नहीं हो रहा है, सेंसिटिविटी ज़्यादा है कम है, ये आपको खुद ही पता चल जाएगा जब आप स्प्रे दोगे। और आपको करना क्या है, बस 2 या 3 डॉट बढ़ाने हैं या फिर घटाने हैं, ठीक है। अगर सेंसिटिविटी आपको लग रहा है कि ज़्यादा है तो आप भाई 3 डॉट मतलब कम कर दो, 3 पॉइंट कम कर देना है। अगर आपको लग रहा है सेंसिटिविटी कम है तो 3 पॉइंट आपको ज़्यादा करना है, ठीक है। बस ये करोगे आपकी सेंसिटिविटी गाइज निकल जाएगी। और ये जो मैं स्प्रे दे रहा हूँ गाइज ये बिना अटैचमेंट के है, ठीक है, इसमें कोई अटैचमेंट नहीं है मेरी, और खड़े होकर मैंने स्प्रे दिया है इसलिए वो लेफ्ट राइट हिल रहा है। और यही आपको हमेशा प्रैक्टिस करनी है। अब गाइज प्रैक्टिस कर लेते हैं सेंसिटिविटी को मास्टर करने की। सो गाइज यहाँ पर आपको बोर्ड दिख रहा होगा, यहाँ पर जो मैंने सेटिंग कर रखी है ये आपको करनी है। ट्रेनिंग ग्राउंड मैंने 10 कर दिया है, यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो टारगेट का 90 मीटर, टारगेट की हेल्थ पूरी कर रखी है, मूवमेंट बिल्कुल 0, ठीक है। लेवल 3 के हेलमेट मैंने सेलेक्ट कर रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। और इस चीज़ को आप सेव कर देना ताकि आपको बार बार ही करना ना पड़े। अब क्या करना है गाइज, जितने आपके स्कोप है ना, सो गाइज उससे अब आपको प्रैक्टिस करनी है। देखो टारगेट आएगा, आपको फायर करना है, ठीक है, और कोशिश करना है कि गाइज आपका जो ये पॉइंट है ना, ये जो डॉट दिख रहा है आपको, ये भाई सारी गोलियाँ टारगेट पर लगे, ठीक है, बिना अटैचमेंट के, बिना किसी उसके, ठीक है, खड़े होकर स्प्रे देना है। गाइज मैंने अपनी उसमें अटैचमेंट नहीं लगा रखी है। और गाइज मैं ये ट्रेनिंग इसलिए करता हूँ ताकि मेरा जो सेंसिटिविटी पे मेरा कंट्रोल है ना वो और भी ज़्यादा अच्छा हो, ठीक है। जब मैं क्लासिक में अटैचमेंट लगाता हूँ तो काफ़ी मक्खन स्प्रे जाता है और इजी कंट्रोल हो जाता है, ठीक है। सो गाइस जैसे ये देख सकते हो आप भाई, अभी मैं 3x से भी दे रहा हूँ, ये देखो भाई 3x से भी दे दिया, और वही 4x से भी देंगे, देख रहे हो गाइस। सो गाइस इसी तरीके से सेंसिटिविटी निकाली जाती है। गाइस ये थी सेंसिटिविटी की आपकी ट्रेनिंग भी थी, ठीक है, ये देखो आप कंट्रोल कर सकते हो। सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई है ना तो यार लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दो। और हाँ गाइस आप कमेंट करके ये भी बताओ कि आप कौन से स्टेट से हो, जैसे कि मैं उत्तराखंड से हूँ, ठीक। सो गाइस आप कमेंट करके ये बताओ कि आप कौन से स्टेट से हो। अगर गाइस वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो यार लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब करो, ठीक है ना। जल्दी से हमारे 1000 सब्सक्राइबर करवा दो भाई, काफ़ी दूर है हम उसके, काफ़ी पास ले आओ भाई, ठीक है। मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और कमेंट करके ये बता दो कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए, ठीक है। गाइस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।